हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीत रेसिपीज। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अरबी की बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी भी बनती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर उससे पहले आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को और बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने अरबी को अच्छे से धो के छील के कट कर लिया है। ऐसे मैंने ऐसे कट किया है, लंबे लंबे पीसेस में। आप चाहो तो इसको राउंड में भी कट कर सकते हो। तो चलिए अब हम अपनी सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो ऐसे मैंने एक कढ़ाई ली है जिसको मैंने हल्का गर्म कर लिया। मैं इसमें ऑयल डालूंगी। मैं 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज कर रही हूँ। तो मैंने आधा किलो अरबी ली है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे डालूंगी 1 छोटा चम्मच अजवाइन का। ऐसे ही सेम 1 छोटा चम्मच जीरे का। तो इसी तरीके से आधा छोटा चम्मच राई का। अब हम इसको थोड़ा सा चला देते हैं। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कड़ी लीव्स। फ्रेश कड़ी लीव्स मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। तो ऐसे मैंने कड़ी लीव्स ऐड कर दिए हैं। कड़ी लीव्स से इसकी खुशबू और इसका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो अब हम इसमें अरबी ऐड कर देंगे। नमक मिर्च अभी हम ऐड नहीं करेंगे। पहले अपने खड़े मसालों को अरबी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये अरबी पे कोट हो जाए अच्छे से। तो ऐसे ही अरबी के ऊपर अच्छे से कोट हो चुके हैं। अब हम इसमें अपने सूखे मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मैं लगभग 1 छोटा चम्मच ऐड कर रही हूँ इसमें नमक का, इस तरीके से। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ऐसे ही 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। तो अब इसको थोड़ा सा खट्टा टेस्ट देने के लिए मैं इसमें आमचूर पाउडर भी ऐड कर रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच, और थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे। तो अब हम इन सारे मसालों को अच्छे से अरबी में मिक्स कर देंगे। तो ऐसे हमारी जो अरबी है अच्छे से मिक्स हो जाएगी सूखे मसालों के साथ भी। तो ऐसे देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसमें मिक्स होने के बाद। अब हम इसको ढककर पकाएंगे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। अपनी गैस की फ्लेम मीडियम कर लीजिए। तो 10 से 15 मिनट के बाद हम इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे और चेक करते रहेंगे कि ये गल नहीं है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं। तो ये अच्छे से गली नहीं है। अभी हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए और रखेंगे ढककर। तो बीच बीच में आप चलाते रहें। तो अब 5 मिनट भी हो चुके हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं हमारी ये जो अरबी है वो मुझे लगता है गल चुकी है। ये देखिए कितनी सॉफ्टली ये टूट भी रही है। तो अब हम अपना गैस बंद कर देंगे नीचे से और इसको सर्व करेंगे एक बाउल में। तो ये अरबी की बहुत ही क्विक रेसिपी है। आप इसको बच्चों के टिफ़न में सुबह सुबह बना के जल्दी से डाल सकते हो, और ट्रैवल में भी इसको लेके जा सकते हो जल्दी बना के। तो अब मैं इसको सर्व करूँगी बाउल में। तो ऐसे हमारी अरबी की सब्ज़ी बनके रेडी है। आप इसको धनिया के हरे पत्तों के साथ भी गार्निश कर सकते हो। मैं इसको करी लीव्स के साथ गार्निश कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।